ये कहानी है एक उड़ती हुई फ्रॉक की, जिसने हजारों काम इच्छाओं को गोंद में लपेटकर दीवार से टांग दिया। एक लड़की जिसे पहली बार सेक्स सिंबल का टैग दिया गया, जिसकी तस्वीरों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़े। ये कहानी है उस फिल्म एक्ट्रेस की जिसकी फिल्मों को सीक्रेट कहा गया, लेकिन जिसने शोहरत का वो मकाम छुआ जैसा पहले न देखा और न सुना गया। ये उस लड़की की कहानी है जो महज 36 साल जिंदा रही, लेकिन जब तक रही दुनिया को अपने जादू में उसने बांधे रखा। जब मरी तो उसकी मौत का जिम्मेदार दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को ठहराया गया, अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसके साथ पहले उसके अफेयर के चर्चे उड़े और फिर उसकी मौत का इल्ज़ाम लगा। ये कहानी है एक नाम की, ये कहानी है दुनिया के सबसे उजले दुख की, मरिलिन मनरो की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी मरिलिन मनरो की। मरिलिन मनरो कहने को अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी, लेकिन सिर्फ एक्ट्रेस कहना जस्टिस नहीं होगा उनके साथ। मनरो एक फिनोमेना थी, कैमरे उनके पीछे दौड़ते थे, चाहने वाले टिकट खिड़की तक आते थे, हर प्रोड्यूसर मनरो के साथ काम करना ही चाहता था। दुनिया के लिए वो सेक्स सिंबल थी, उनके बारे में क्या कुछ लिखा और कहा नहीं गया। लिखा गया कि वो पूरी ही नकली हैं, नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई, दांत नकली, यहाँ तक कहा गया कि मनरो औरत नहीं मर्द हैं। मनरो का नाम तमाम लोगों के साथ जोड़ा गया, उनके अफेयर के किस्सों से मैगजीन्स भरी गई। हालांकि मनरो को जानने वाले कहते हैं अगर वाकई वो हर उस आदमी के साथ सो रही होती तो उनके पास कभी फिल्में बनाने का समय ही नहीं बचता। मनरो का असली नाम था नॉर्मा जीन मॉर्टिसन। कैलिफोर्निया में जन्मी थी और यहीं आखिरी उन्होंने सांस भी ली। धरती पर कुल 36 बरस बिताए, लेकिन इस अल्पकालीन जीवन में बेहद ड्रामा है, दिल को चाक कर देने वाला दुख है और एक सितारी सी मनरो है। बचपन में ही मां ने अब्यूज़ किया उन्हें। मनरो के दूसरे पति ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया था कि मनरो की मां ने बचपन में उन्हें मारने की कोशिश की थी, एक नहीं दो नहीं तीन बार। हाल ही में मनरो की ज़िंदगी पर एक फिल्म भी आई थी, ब्लॉन्ड। फिल्म में भी एक सीन है जब उनकी माँ उन्हें बाथटब में डुबोकर मार देने की कोशिश करती है। हालांकि मनरो बच जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद का सफ़र हंकी डोरी रहा हो। माँ छोड़ देती है तो पड़ोस का कपल उससे अनाथालय छोड़ देता है। जीवन के शुरुआती 17 साल ऐसे ही गुजरते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, कभी कहीं। 16 साल की उम्र में शादी हो गई पड़ोस के ही एक लड़के से। मनरो अपने बचपन के बारे में सेंसिटिव थी, उन्हें उनकी परवरिश का भार महसूस भी होता था, शायद इसलिए वो नसीहतें देती हैं। जब मैं बच्ची थी मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ। तमाम बच्चियों को ये कहा जाना चाहिए कि वो सुंदर हैं, वो न हो तब भी। 1944 के अंत में उनकी मुलाकात फोटोग्राफर डेविड कॉनोवर से हुई। उन्हें अमेरिकी वायुसेना ने एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा था जिसमें उन्हें महिला मजदूरों की तस्वीरें खींचनी थी। तब मनरो एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। कॉनोवर ने मनरो की तस्वीर खींची, हालांकि एक भी इस्तेमाल की नहीं। इसके बावजूद मनरो ने नौकरी छोड़कर कॉनोवर के लिए मॉडलिंग शुरू की। यहाँ से मनरो का करियर शुरू हुआ। अगस्त 1945 में मनरो ने ब्लू बुक नाम की एक मॉडल एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जैसे पहले हमने बताया, मरिलिन अपने सफ़ेद बालों के लिए फेमस थी, ब्लॉन्ड बाल, इसलिए उन पर बनी फिल्म का नाम भी ब्लॉन्ड रखा गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मनरो के बाल हमेशा से सफ़ेद नहीं थे। मॉडलिंग के फील्ड में चमकने के लिए उन्होंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए और सुनहरे रंग में रंगे। इसके बाद मनरो बहुत तेज़ी से एजेंसी की स्टार बनी। कुछ ही महीनों में पेजेंट, यूएस कैमरा, लाफ और पीक जैसे पब्लिकेशन समेत कुल 33 मैगजीन्स के कवर पर आईं। मनरो का नाम चमका, लेकिन मनरो नाम से नहीं। एक लंबे समय तक वो जीन नॉर्मन नाम का ही इस्तेमाल करती रहीं। मॉडलिंग में सफल होने के बाद मनरो ने एक्टिंग में हाथ आजमाया। पहला एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला जून 1946 में। 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक शर्त थी, जीन नॉर्मन किसी अदाकारा का नाम लगता नहीं था, इसलिए नाम बदलकर मरिलिन मनरो रखा गया। मरिलिन मनरो में से मरिलिन एक एग्जीक्यूटिव ने रखा था और मनरो खुद जीन ने। यह उनकी माँ का मेडन नेम था, यानी शादी से पहले वाला सरनेम। एक्टिंग में आने से पहले ही मनरो की शादी हो गई थी, लेकिन 3 महीनों के अंदर ही उन्होंने अपने पहले पति को तलाक दिया क्योंकि वो एक्टिंग करियर के खिलाफ था। मनरो को आगे कुछ कुछ रोल्स और मिले। शुरुआती बरस एक्टिंग, गायन, रक्स और फिल्म मेकिंग समझने सीखने में उन्होंने बिताए।
फिर काम छोड़ना भी पड़ा क्योंकि वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा सोचा था उन्होंने। सो वो वापस मॉडलिंग में ही लौट गई। मोनरो फिर से एक्टिंग में घुसी। इसके बाद इस बार कुछ लोगों की करीबियों का इनको फायदा मिला, ऐसे रोल्स मिले जिससे उन्हें अपनी एक्टिंग का कौशल दिखाने का मौका मिलता, मसलन ऑल अबाउट ईव और द एस्फॉल्ट जंगल। फिर उन्होंने कुछ बड़ी कमर्शियल कॉमेडी फिल्म्स में भी काम किया। कहते हैं मोनरो की दीवानगी का आलम यह था कि एक हफ्ते में उनके पास हजारों फैंस की चिट्ठी आती थी। एक आमी न्यूज़पेपर ने तो उन्हें मिस चीज केक का टाइटल दे दिया था। मोनरो फेमस होती जा रही थी, लिहाजा जल्दी विवाद भी उनसे जुड़ने लगे। 1952 में उनके जीवन की पहली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सीज कई थी, पहली बड़ी 3 साल पुराना एक न्यूड फोटोशूट खबरों में आ गया, लेकिन इसने मोनरो को और लोकप्रियता ही दी। लोग उनकी तरफ थोड़ा सिंपैथेटिक भी थे। इस मिले जुले भाव ने मोनरो को एक सेक्स सिंबल बनाया। हॉलीवुड की पहली सेक्स सिंबल थी वो, जो पर्दे के सामने नयनतारा थी और पर्दे के पीछे मसालेदार। रिपोर्टर्स को वो पर्याप्त मसाला देती थी, ये तक बता देती थी कि वो पैंटी नहीं पहनती, और पत्रकार इसे चाव से छापते भी थे। मोनरो की प्रसिद्धि इसी तरह चरम पे पहुंची, लेकिन इससे उन्हें एक नुकसान भी हुआ। सेक्स सिंबल टैग मिलने के चलते मोनरो की एक्टिंग थक गई इस वजन के नीचे। मोनरो के लिए दुनिया ने जो छवि गढ़ी वो उससे कभी निकल नहीं पाई। मोनरो को हमेशा एक बेवकूफ लड़की कहा गया, डम ब्लॉन्ड। उनके बायोग्राफर एंथनी समर्स ने लिखा है कि मोनरो बड़े चाव से गंभीर साहित्य पढ़ती थी, खासकर रूसी लेखक दोस्तोवस्की को, लेकिन ये बात उनकी छवि से मेल ही नहीं खाती थी, इसलिए मोनरो के व्यक्तित्व के इस पहलू को छुपा कर रखा गया, जाहिर नहीं किया गया। 1950 की शुरुआत तक तो स्टूडियो मालिकों ने उन्हें चेतावनी तक देनी शुरू कर दी कि वो पॉलिटिकली रेडिकल किताबें न पढ़ें। मोनरो को कभी एक्टर के तौर पर गिना ही नहीं गया। वो खुद कहती थी, मुझे अपने बारे में ऐसा कोई वहम नहीं कि मैं एक बेहतरीन अदाकारा हूँ, मैं वाकिफ हूँ कि मैं तीसरे दर्जे की अदाकारा हूँ, मुझमें टैलेंट नहीं, ये वैसा ही है जैसे अंदर सस्ते कपड़े पहनती हूँ और बाहर महंगे। मोनरो ने हमेशा एक्टिंग के प्रति कौतूहल का भाव रखा, सीखने की कोशिश की। एक जगह वो कहती हैं, एक एक्टर के लिए अकेलापन ज़रूरी है, अक्सर लोग ये नहीं सोचते। जब मैं अकेली होती हूँ मैं अपने को जमा करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ। करियर लोगों के बीच पैदा होता है और हुनर अकेले में। जैसे पहले बताया, मोनरो सिर्फ एक अदाकारा थी नहीं, एक फिनोमिना थी, एक कल्ट, और उन्हें कल्ट बनाने के पीछे हाथ था कुछ नामों का। एक खूबसूरत लड़की का नाम ताकतवर लोगों से जोड़ा जाना लगभग क्लीशे, सब जगह होता है, उधर इधर उधर। मोनरो का कद ऐसा था कि उनका नाम सीधे लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड से जोड़ा गया, यूएस के राष्ट्रपति। एक तरफ जॉन एफ केनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति, यंग डायनेमिक लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, दूसरी तरफ मर्लिन मोनरो, दुनिया की सबसे चहेती महिला। हॉलीवुड की कई फिल्म्स में अब भी आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले रेफरेंसेस मिलते रहते हैं, लोग हिंट्स ड्रॉप करते हैं। कथित तौर पर मोनरो और केनेडी की पहली मुलाकात हुई थी 1955 में। सोचिए आप तब पैदा हुए थे क्या। कॉलमिस्ट वॉल्टर विंशल की एक पार्टी थी, वहां ये लोग मिले। उस समय मोनरो शादीशुदा थी और केनेडी राष्ट्रपति नहीं बने थे। पार्टी में गए लोगों ने बताया कि दोनों ने शाम भर बात की। दूसरी मुलाकात का रेफरेंस आता है 1961 में, 6 साल बाद। तब तक मोनरो ने अपने पति को तलाक दे दिया था। इस बार दोनों अपने करीबी दोस्त फ्रैंक सिनात्रा के घर पर मिले। इनका म्यूजिक आपने सुना होगा। अभी हम आपको इस रिश्ते के बारे में जितनी बातें बता रहे हैं वो सब कथित तौर पर की शक्ल में है, लेकिन 1962 में एक ऐसी घटना घटी जिसने कयासों को जमकर हवा दी। 19 मई की तारीख थी, राष्ट्रपति केनेडी के बर्थडे का जश्न रखा गया मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। मर्लिन मोनरो भी मौजूद थी वहाँ। स्टेज पर चढ़ी, माइक पकड़ा और गाने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट। उस रोज मर्लिन ने जिस हाव भाव और मोहक तरीके से गीत गाया था उसने केनेडी के साथ उनके रिश्ते पर लग रही अटकलों को तेज किया। मोनरो का नाम सिर्फ केनेडी के साथ ही नहीं जुड़ा, चार्ली चैपलिन के बेटे के साथ उनका नाम जुड़ा। इन बातों में कितनी सच्चाई थी कोई जानता नहीं, क्योंकि मोनरो ने उस दौर के लगभग हर बड़े आदमी से मुलाकात की थी और बहुत सारे लोगों के साथ नाम जोड़ भी दिया गया। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ मोनरो की मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ यह कि मोनरो ने बातों ही बातों में आइंस्टीन से कहा कि सोचिए अगर हमारे बच्चे हों, उनमें आपका दिमाग हो और मेरी सुंदरता। अब आइंस्टीन आइंस्टीन थे, चट से जवाब दिया उन्होंने, मगर मोहतरमा सोचिए अगर उनमें आपका दिमाग और मेरी सुंदरता आ जाए तब क्या होगा। दोनों फूट फूट कर हंसे। इस किस्से में कितनी सच्चाई है ये भी पक्का नहीं है, हो सकता है अर्बन लेजेंड हो, लेकिन जैसा पहले कहा था इस जैसे अनगिनत किस्से ही मर्लिन मोनरो नाम का लेजेंड, उस नाम का कल्ट बनाते हैं। मोनरो ने 36 साल की जिंदगी जी, शोहरत से भरपूर जिंदगी जी, हालांकि शोहरत की इस रोशनी के पीछे एक अंधेरा था
जो अंत में मर्लिन मुनरो की मौत का कारण भी बना। 4 अगस्त 1962 मुनरो अपने घर में मृत पाई गई। बिस्तर पर निर्वस्त्र वो लेटी थी, चेहरा नीचे था और एक हाथ में फोन था। बिस्तर के बगल की मेज पर दवाइयों की 30 शीशियां और उनमें से नींद की गोलियों की एक बोतल थी जो खाली थी, जैसे किसी फिल्म का एक त्रासद सीन हो। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक मृत्यु का कारण ड्रग ओवरडोज था, लेकिन चूंकि ये मुनरो थी और वो अमेरिका में थी, इसलिए मुनरो की मौत के साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जुड़ती गईं। पहली थ्योरी क्या है, प्रेसिडेंट का बच्चा कोख में था सो कैनेडियो ने मरवा दिया। कैनेडीज मतलब फैमिली। हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट वाली परफॉर्मेंस के ठीक 2.5 महीने बाद मुनरो की मौत हो गई थी। चूंकि मुनरो और JFK का नाम पहले से जोड़ा जाता रहा था, इसलिए कहा गया कि बदनामी से बचने के लिए राष्ट्रपति ने ही मुनरो को मरवा दिया। कैनेडी के भाई अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी या बॉब कैनेडी जिनको कहते हैं बॉबी कैनेडी, इनका नाम भी कथित साजिश में जोड़ा गया। बॉबी कैनेडी के बारे में बाद में कुछ और बातें भी सामने आई। 2007 में ऑस्ट्रेलियाई फिल्म मेकर फिलिप मोरा को एक FBI दस्तावेज से मालूम चला कि मर्लिन के बॉबी कैनेडी के साथ भी संबंध रहे। इस थ्योरी के अनुसार मुनरो ने कैनेडी ब्रदर्स के साथ अपने संबंधों का पर्दाफाश करने की धमकी दे दी थी और उनकी एक डायरी में कैनेडी बंधुओं के कुछ राज भी थे और इसके चलते उनकी हत्या करवा दी गई। दूसरी थ्योरी पे आते हैं। इस थ्योरी के अनुसार मुनरो की हत्या शिकागो के एक माफिया बॉस सैम ज़ियानकाना के आदेश पर की गई थी। एक किताब है मर्लिन एट रेनबोज एंड सेक्स लाइज मर्डर एंड द ग्रेट कवरअप। इसके लेखक हैं डार्विन पोर्टर। ये कहते हैं ज़ियानकाना मुनरो को मरवाना चाहता था क्योंकि वो उसके ऑपरेशंस का पर्दाफाश करने की धमकी दे रही थी। इस थ्योरी या साजिश में भी कैनेडीज की साठगांठ बताई जाती है। इन दोनों के अलावा भी कई थेरीज हैं। मसलन उनके अपने साइकेट्रिस्ट ने उन्हें मार दिया, एक रिटायर्ड CIA एजेंट ने उनकी हत्या कर दी, उनके घर के देखभाल करने वालों ने उन्हें मार दिया। एक थेरी तो ये भी है कि मुनरो कभी मरे ही नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के बदौलत अपनी मौत का स्वांग उन्होंने रचा क्योंकि जीवन उनके लिए बहुत भारी हो गया था। इस थेरी पर तो एक अलग किताब भी है, मर्लिन मुनरो अलाइव इन 1984। साल 1982 में मुनरो की मौत का केस खोलने की कोशिश भी की गई दोबारा, लेकिन उनकी हत्या हुई हो ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला नहीं। अब मुनरो को बहुत तरीके से याद किया जा सकता है, स्कर्ट उड़ने वाले एक पोस्टर मात्र की तरह भी, एक ऐसी शख्स की तरह भी जो चकाचौंध से बना था, या एक मुकम्मल शख्सियत की तरह, चयन आपका है। लेकिन मुनरो ने अपने याद करने वालों के लिए क्या मैसेज छोड़ा था यह हम आपको बता देते हैं। मुनरो कह रही हैं ये कि सच्चाई ये है कि मैंने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने लोगों को खुद बेवकूफ बनने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ऊपर से उन्होंने मेरे लिए एक चरित्र भी खोज लिया। मैं उनसे कभी बहस करती नहीं, मैंने की नहीं। लोग किसी और मुनरो को प्यार करते हैं जो मैं थी ही नहीं, और जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने मुझ पर दोष फोड़ दिया कि उन्हें भ्रम में रखा गया, बेवकूफ़ बनाया गया। सच ये है कि कुत्ते मुझे कभी नहीं काटते, सिर्फ आदमी काटते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके लिए तारीख का ये एपिसोड लिखा था सोम शेखर ने और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।